ओएसआई मॉडल में बस हमारा एक क्वेश्चन ये रह गया है, तो इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, फिर ओएसआई मॉडल के सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएंगे। और भी सारे क्वेश्चंस हैं बट इतना काफ़ी है आई थिंक, जितने भी हमें कॉन्सेप्ट्स चाहिए थे इससे हमें मिल जाएगा। तो देखो लास्ट क्वेश्चन हमारा जो है ओएसआई मॉडल का ये है कि व्हाट आर द प्रोटोकॉल्स दैट आर इंक्लूडेड, व्हाट आर द प्रोटोकॉल्स दैट आर इंक्लूडेड बाय ईच लेयर ऑफ अ TCP/IP मॉडल। तो मैंने तो आपको बता दिया वहाँ पे अभी पिछले वाले वीडियो में कि नेटवर्क एक्सेस लेयर, इंटरनेट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर और एप्लीकेशन लेयर TCP/IP के चार लेयर्स हैं। तो देखो इस लेयर्स में जो है कौन कौन से अपने प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं, जैसे एप्लीकेशन लेयर में कौन कौन से प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं, तो वो सारे प्रोटोकॉल्स हमने ओएसआई मॉडल के लिए देखे थे, उन सारे को कंबाइन करके हम यहाँ पे रख देंगे भाई। होगा एप्लीकेशन लेयर में जैसे देखो कि DNS यूज़ होता है, DHCP यूज़ होता है, FTP, देन TFTP, देन SMTP, देन HTTP, देन टेलनेट, देन SSH, ये सारे जो एप्लीकेशन लेयर में आते हैं TCP/IP मॉडल में। ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर में TCP और UDP यूज़ होता है, ये सारे तो मैंने आपको बता ही दिए। इंटरनेट लेयर देखो, इंटरनेट लेयर में होता है IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, ICMP इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, IGMP एक होता है, ये तीन तरह के जो है प्रोटोकॉल्स इंटरनेट लेयर में यूज़ होते हैं। नेटवर्क एक्सेस लेयर, नेटवर्क एक्सेस लेयर में जो यूज़ होने वाले जो हमारे सबसे बॉटम वाले अपने ये लेयर्स हैं, इनके साथ कौन कौन से प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं, इनके साथ यूज़ होने वाले ईथरनेट, टोकन रिंग, FDDI, X.25, फ्रेम रिले, ARP मतलब एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, RARP रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ARP के बारे में भी हम देखेंगे ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू, ये OSI मॉडल तो कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट अपन कुछ स्टार्ट करते हैं इसके आगे का जो भी सेक्शन होगा ठीक है। थैंक यू।